पूर्वी दिल्ली के शकरपुर के गुरुद्वारा रोड पर बीती रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बनाया जब अचानक से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, बदमाश अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हो चुके थे। इस हमले में एक पीएसओ को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर पेशे से वकील मोहित नाम के इस शख्स को मारने आए थे। हालांकि किसी तरह से मोहित ने छिपकर अपनी जान बचाई। जिस वक्त ये वारदात हुई, मोहित अपने किसी जानकार से मिलने के लिए शकरपुर आया हुआ था। तभी बाइक सवार 6 बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में मोहित के एक पीएसओ को गोली लग गई। बचाव में मोहित के पीएसओ ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि हमलावर भाग खड़े हुए। मैं आगे खड़ा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बात कर रहा था आराम से, कोल्ड ड्रिंक लेके आया कोई बंदा, मैंने कोल्ड ड्रिंक की, मतलब हमारी गाड़ी की जान पहचान वाला ही। उसके 5 से 7 मिनट के अंदर ही यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 7 राउंड फायर हुए हैं। अच्छा, अब मैं तो नीचे छुप गया गाड़ी के, कैमरा वैमरा ऑन हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा। तो मेरे जो पीएसओ थे गाड़ी से उतर गए, पीएसओ रहते मेरे साथ दो, उन्होंने 2 या 3 राउंड छोड़े, मुझे पता नहीं वो कहीं मिल गए। लेकिन मैंने कोई ये नहीं पता कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता मुझे। मोहित शहादरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद नागर के बेटे हैं। इससे पहले इसी साल मई के महीने में मोहित के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसके बाद मोहित को 2 पीएसओ दिए गए थे। उधर हमले की सूचना के बाद फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल हमले की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। शक है कि आपसी रंजिश में ये हमला किया गया है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।